हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम क्या लेके चले थे, हमने कोई लीनियर इक्वेशंस के पेयर लेके चले थे दो, जो लीनियर इक्वेशन हो कैसी हमारी टू वेरिएबल में, यानी कि दो वेरिएबल के यहाँ पर एक्स और वाई। और नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन थी ए टू एक्स डी टू वाई प्लस ए टू इज इक्वल टू जीरो। अब इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो हमने ग्राफिकल मेथड से इनकी ग्राफ ड्रा किए थे और वहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। और सॉल्यूशन इनका बताया क्या होता है, वो एक्स और वाई की वैल्यू जो दोनों साइमल्टेनियसली क्या करते, सेटिस्फाई करते। नेक्स्ट हमने इनके जो कोफिशियंट है उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया, तो वहां से पता लगा कि इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो किस टाइप के होंगे। उसके बाद इनके कुछ सोल्व करने के तरीके थे, जैसे मल्टीप्लीकेशन मेथड, एलिमिनेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिस टाइप से ऐसे जो मेथड थे। और उसके बाद क्या था, इनकी एप्लीकेशंस थी, ठीक है, इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, यूज कैसे होता है ये नॉर्मल लाइफ में। अब इसके अंदर हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है मिसलेनियस प्रॉब्लम। अब मिसलेनियस प्रॉब्लम में क्या है हमारे पास, इनमें हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं वो सभी का यूज करके इनमें सोल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंप्राइज ऑफ ए फिक्स प्राइस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। इसमें क्या बता रखा है कि कोई टैक्सी है, उसके जो चार्जेस है वो किस टाइप से है, वो कुछ किलोमीटर के लिए तो फिक्स है, ठीक है, जैसे मान लो एक किलोमीटर दो किलोमीटर उसके लिए तो उनके चार्ज है वो फिक्स है, और बाकी उसके बाद पर किलोमीटर वाइज प्राइस है उसकी। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखो, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंप्राइज ऑफ ए फिक्स प्राइस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक तो इसकी फिक्स प्राइस हो गई, दूसरी क्या हो जाएगी, जितनी डिस्टेंस कवर करेगी उसके हिसाब से भी चार्ज इसका अलग होता है। तो फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज RS 75। तो क्या है इसमें, फॉर जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज इज RS 75। यानी 10 किलोमीटर की जर्नी है उसके लिए तो चार्ज हो गया 75, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज 110। और अगर जर्नी है हमारी वो 15 किलोमीटर की है तो उसमें जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 115, ठीक है। व्हाट विल ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो एक आदमी को 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है तो उसमें कितना चार्ज देना पड़ेगा, हमें ये बताना है। तो इसमें क्या है, देखो, ये जो हमारी जर्नी है 10 किलोमीटर की इसका चार्ज है 75, और ये जर्नी है 15 किलोमीटर की इसका चार्ज है 150। यानी कि जो ये चार्ज है इसमें वो फिक्स जो प्राइस है, यानी कि मान लो कुछ x किलोमीटर के लिए जो फिक्स प्राइस है वो भी इंक्लूड है, और जो बाकी की डिस्टेंस कवर की है इसने वो भी इसकी इंक्लूड है। तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले तो फिक्स चार्ज लेके चलेंगे, लेट फिक्स चार्ज इज RS x। हमने ये मान लिया कि अगर टैक्सी में कोई बैठता है तो बैठते उसका जो फिक्स चार्ज है वो तो हो गया RS x, यानी इतना उसको पे करना पड़ेगा जो कितने डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। एंड द रनिंग चार्ज हमने क्या लेके चलते हैं, वाई किलोमीटर पर आवर। लेट रनिंग चार्ज है वो हम क्या लेके चलते हैं, RS y। वो जो रनिंग चार्ज है वो कितना है, y रुपीज है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज है वो तो x देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज जा रहे 75, यानी कि उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, तो फिक्स चार्ज हो गया हमारे पास x, ये दिया। पर किलोमीटर के हिसाब से कितना है, पर आवर y। तो 10 किलोमीटर ने कवर किया तो 10 इंटू वाई
इसका चार्ज है वो कितना हो जाएगा 75। नेक्स्ट ये क्या बता रहा है कि फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज इज 115। तो 15 किलोमीटर के लिए सबसे बेनिफिट चार्ज तक हो गया प्लस 15 किलोमीटर ने ये कवर की, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, x plus 10y = 75 और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये 110 हो जाएगा, x plus 15y = 110 हो जाएंगे। यहां से इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये -5y = -35। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, y = -35/-5 7। तो जो y की वैल्यू है वो तो हमें कितनी मिल गई, यहां पर 7 मिल गई। तो यहां पर पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x = 75 - 10y 75 - 10 × 7 = 5। तो x और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7। तो अब हमें क्या बताना है, अगर 25 किलोमीटर कवर करेगा तो उसके लिए उसकी जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, तो क्या हो जाएंगे उसके लिए 4 25 किलोमीटर डिस्टेंस चार्ज इज, एक तो हमारे पास फिक्स चार्ज वो हो जाएगा प्लस जो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है वो हो जाएगा 25y। यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 25 × 7 और इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 5 + 175 = 180। तो अगर किसी आदमी को 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है तो उसका चार्ज होगा कितना हो जाएगा, RS 180। इसमें क्या था देखो, 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए चार्ज बता रहा है 75 है, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए चार्ज है वो बता रहा 110 है, और साथ में ये बता रखा है जो ये चार्ज इंक्लूड है ना, ये वो चार्ज है जिसमें फिक्स प्राइस की है और वो प्राइस है जो पर किलोमीटर के हिसाब से उसको देनी पड़ती है वो। तो हम क्या लेके चले हैं, फिक्स प्राइस हमने ले लिया RS x पर किलोमीटर, और जो किलोमीटर रनिंग चार्ज है यानी कि पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है वो हमने कितना ले लिया, y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ले लिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, जो फिक्स चार्ज है वो देना पड़ेगा इसको, तो x प्लस कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर की 10, तो 10y टोटल चार्ज कितना हो गया 75। नेक्स्ट में 15 किलोमीटर के लिए चार्ज है 110, तो x + 15y = 110। इसको सोल्व करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और हमें ये बताना 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। अब 25 किलोमीटर कवर करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, एक तो फिक्स चार्ज हो गया हमारे पास x प्लस जो 25 किलोमीटर कवर करेंगे उसका चार्ज, सोल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वेयर यूनिट। भाई कोई रेक्टेंगल है हमारे पास, उसका जो एरिया है वो 9 स्क्वेयर यूनिट से रिड्यूस हो जाता है, कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। अगर लेंथ को तो हम 5 यूनिट से डिक्रीज कर दें और जो ब्रेथ है उसको 3 यूनिट से इंक्रीज कर दें तो इसका जो एरिया होगा वो 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाएगा। तो इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, अगर लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दें और ब्रेथ को क्या करें 2 यूनिट से इंक्रीज कर दें तो जो एरिया होगा वो 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या लेके चलते हैं, लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y, लेट लेंथ बी x यूनिट एंड ब्रेथ y यूनिट।
अब एरिया की बात है इसके अंदर, तो हमारा एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एक्स इनटू वाई एक्स वाई स्क्वायर यूनिट, ये हमें एरिया मिल जाएगा। जो हमारा ओरिजिनल एरिया है वो हमारा ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बता रहा है, अगर लेंथ को तो हम 5 यूनिट से रिड्यूस कर दे और ब्रेथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दे, तो लेंथ को तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ को तो हमने 5 यूनिट से डिक्रीज कर दिया और जो ब्रेथ होगी तो उसको 3 यूनिट से इंक्रीज कर दिया, तो रिजल्टेंट एरिया है वो क्या होगा, 9 स्क्वायर यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बन गई हमारे पास कंडीशन पहली। नेक्स्ट हम जो बनाएंगे इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल और इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पहली कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसमें बता रहा है ये, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, अगर हम लेंथ को तो 3 यूनिट से इंक्रीज करते हैं और ब्रेथ को हम 2 यूनिट से इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इंक्रीज होगा तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो आ गई, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67 कैंसिल, सोल्व करें तो इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी, 2x प्लस 3y इसको इस साइड लेके माइनस करेंगे तो माइनस 61 इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन में इसने ये कहा है कि वो रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है, अगर रेक्टेंगल की लेंथ है उसको हम 5 स्क्वायर यूनिट से डिक्रीज करते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट से इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा एरिया होगा वो ओरिजिनल एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। अगर मान लो ओरिजिनल एरिया 20 है तो इसके बाद जो उसका एरिया होगा वो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। वैसे जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट कंडीशन में हम जो लेंथ है उसको 3 यूनिट से इंक्रीज करते हैं और जो ब्रेथ है उसको 2 यूनिट से इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा रिजल्टिंग एरिया होगा वो ओरिजिनल एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से इन दोनों को हमने सोल्व किया और सोल्व करने के बाद हमारे पास पहली इक्वेशन क्या बन गई, 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 और सेकंड क्या बन गई, 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। अब कोई भी मेथड लगा के आप इन दोनों को सोल्व कर लो और हमें सोल्व करने के बाद x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। यहां से जो हमारी x की वैल्यू तो हो जाएगी 17 और y की वैल्यू 9, ये हो जाएगा इसके अंदर। सोल्व करने का तरीका आपका ये है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो कंडीशंस गिवन है जो अननोन है उनको एक्स और वाई मानो और अननोन के ऊपर जो कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है वो डायरेक्ट कंडीशन लगाओ और उसके बाद सोल्व कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड सम अदर अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट, ही रिसीव ईयरली इंटरेस्ट ऑफ हर 130। अब क्या कह रहा है, ये कोई पर्सन है, उसने एक जो अमाउंट है मान लो एक्स अमाउंट है वो तो उसने 12% पर इन्वेस्ट की है और जो वाई अमाउंट है वो इसने 10% सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की है और जो उसको ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट वो मिला है आर एस 130, ठीक है। बट इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टमेंट,
लेकिन अगर उसने अमाउंट इन्वेस्टमेंट है वो इंटरचेंज कर दी तो देन ही वुड हैव रिसीव आरएस 4 मोर एज इंटरेस्ट. तो हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट. देखो तो इसमें क्या लेके चलेंगे, लेट अमाउंट ऑफ फर्स्ट टाइप, जो पहले टाइप के अमाउंट है वो हम क्या मानते हैं आर एस एक्स. नेक्स्ट लेके चलते हैं अमाउंट ऑफ सेकंड टाइप, वो कितनी हो जाएगी आर एस वाई. अब ये क्या कह रहा है, उसने जो इन्वेस्ट की है वो क्या हो जाएगी, पहली अमाउंट है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइप की अमाउंट है कि आर एस एक्स इज इन्वेस्टेड एट कितने रेट के ऊपर इन्वेस्ट किया इसने 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड आर एस वाई एट 10% सिंपल इंटरेस्ट. तो ही रिसीव आर एस 130 एज सिंपल इंटरेस्ट. तो उसने जो एक्स अमाउंट है वो तो इन्वेस्ट कितनी की है 12% के ऊपर, और वाई है वो कितने पे की है 10% के ऊपर. तो उसको जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना मिला 130. तो यहां से जो हमारी कंडीशन होगी तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इज बट 12% है, 12% इसका मतलब क्या हो जाएगा 12x/100. पर 12% ORS x का 12% है तो इसके ऊपर लगेगा, तो इसका 12% कितना हो जाएगा 12/100x. तो ये तो वो इंटरेस्ट होगा जो हमें इस अमाउंट से मिलेगा, प्लस नेक्स्ट इसके ऊपर कितना है 10/100 वाई. ये वो इंटरेस्ट है जो हमें सेकंड अमाउंट है आर एस वाई की उसके ऊपर मिलेगा. जो टोटल इंटरेस्ट है वो हमें कितना मिला है 130. हो गया ये. अब नेक्स्ट इसको कंडीशन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहां से एलसीएम लेने को तो क्या बन जाएगा ये 12x/10y. ये हमारा कंडीशन बन गई. और इसको सोल्व करेंगे या इसको रिड्यूस करते हैं तो क्या बन जाएगा 6x/5y 6500. तो ये तो हमारी वो पहली कंडीशन आ गई जो हमने इन्वेस्ट किया था वो. नेक्स्ट ये बता रहा है अगर इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज अमाउंट. अब हमने क्या कह रहे हैं, जो अमाउंट है वो इंटरचेंज कर दी, यानी कि इसने एक्स जो आर एस एक्स है वो 12% पे इन्वेस्ट की थी और आर एस वाई है वो 10% पे. अब इंटरचेंज करने के बाद क्या हो गया, जो एक्स प्राइस है वो तो 10% पे हुई है और जो वाई प्राइस है वो 12% पे. तो यहां से क्या बन जाएगा 10x/100 प्लस 12y/100. तो उसके बाद क्या होगा, जो उसने इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट इज आर एस 4 मोर एज इंटरेस्ट. तो जो पहले इंटरेस्ट मिला था इससे 4 रुपए ज्यादा मिला है, यानी कि कितना हो गया 134. तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 10x/12y=13400. ये हमारी जो कंडीशन है वो बन गई. इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 5x/6y=6700. तो पहले तो हमें ये मिल गई 6x/5y=6500. नेक्स्ट हमें क्या मिल गई 5x/6y=6700. तो इन दोनों को सोल्व करेंगे और जो x और y होगा उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो वैल्यू फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू तो 500 और y की वैल्यू 700 मिल जाएगी. तो इस टाइप से जो इसमें पूछा था हमने वो अप्लाई कर दिया और जो कंडीशन होगी वो फाइंड आउट कर ली. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ ज्योमेट्री से लिंक करके देते हैं वो क्या है. देखो
फाइंड द फोर एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एबीसी डी इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिग्री। क्या गिवन है, जो ए बी सी डी है वो हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ए बी सी डी तो जो है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। हमें इनके सभी एंगल फाइंड आउट करने, जो एंगल ए है वो गिवन है 2x माइनस 1 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिग्री। एंगल बी है वो कितना है, y प्लस 5 डिग्री। एंगल सी है वो क्या हो जाएगा हमारा, 2y प्लस 15 डिग्री। और जो एंगल डी होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x माइनस 7 डिग्री। क्या कह रहे क्वेश्चन में, हमें चारों एंगल फाइंड आउट करने हैं, किसके, ए बी सी डी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है उसके, जिसमें एंगल ए बी सी और डी हमें सारे गिवन है। अब जैसा कि हमें पता है कि एज इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180, जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है उसके जो अपोजिट एंगल होंगे उन सभी का सम क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री। अब यहां पर एंगल ए और एंगल बी होंगे वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, सॉरी एंगल ए और एंगल सी अपोजिट, एंगल बी और एंगल डी अपोजिट। एज एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट और एंगल बी एंगल डी आर ऑल्सो अपोजिट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनेगा तो हमारे इस टाइप से तो कुछ बनेगा। ए बी सी और डी, यानी कि साइकिल इसकी कंप्लीट हो रही है, तो ए और सी अपोजिट, बी और डी अपोजिट, ये अपोजिट हो गए हमारे पास। तो यहां से अब क्या करेंगे, अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होंगे इसमें, 2x माइनस 1, 2y प्लस 15 इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, y प्लस 5 प्लस 4x माइनस